हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है इम्यूनिटी ड्रिंक के बारे में। इस इम्यूनिटी ड्रिंक की रेसिपी आयुर्वेदा में दी गई है। फ्रेंड्स, यह इम्यूनिटी ड्रिंक आपको इजीली आयुर्वेदा स्टोर में मिल जाएगी। यह ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल होती है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूँगी। आप सर्च करके बेस्ट ड्रिंक बाज़ार से परचेज़ कीजिएगा। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। इसमें दो हर्ब्स की आवश्यकता होती है और वो दोनों हर्ब्स मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए पहले फटाफट समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी डिजीज से लड़ने की हमारी बॉडी की ताकत। बचपन में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिड्यूस होती जाती है। जैसे जैसे बॉडी की इम्यूनिटी रिड्यूस होने लगती है, वैसे वैसे हम पे डिजीज़ अटैक करने लगती हैं, और जब डिजीज़ अटैक करती हैं तो हमारी इम्यूनिटी और रिड्यूस हो जाती है। आपने ये तो बहुत नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग कितनी भी मौसम चेंज हो या फ्लू चल रहे हों या वायरल इन्फेक्शन हो, बीमार नहीं होते हैं। होता कुछ यूँ है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों को इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको बॉडी में फैलने ही नहीं देते। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो उनसे लड़ नहीं पाते हैं और उनकी बॉडी में तेज़ी से वायरस और बैक्टीरिया फैलने लगते हैं। दरअसल जब बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई होने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ये इसे हम बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी इस बाइंडिंग मटेरियल को उन्हें अवेलेबल नहीं कराती है और उनको मल्टीप्लाई होने से रोक देती है। ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया वीक हो जाते हैं और जिनसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उन्हें आसानी से मार देती है। तो यानी हमारे बॉडी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो किसी भी वायरस बैक्टीरिया या डिजीज़ को एंटर होते ही उसे फैलने ना दे और उसे वहीं पे ख़त्म कर दे। जिन लोगों में इम्यूनिटी नहीं होती वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़े, हम हमेशा डिजीज से कैसे दूर रहें और हमारी एजिंग प्रोसेस भी रिड्यूस रहे, इसका इलाज बहुत पहले ऋषियों ने आयुर्वेद के अंदर लिख दिया था। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन किया गया और उसमें से अमृत निकला तो आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी उस अमृत कलश को लेकर चले। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उस अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और यहीं पर अमृत बेल उग गई, जिसे गिलोय कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऋषियों ने आयुर्वेद के अंदर अमृत बेल गिलोय के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। तो चलिए इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रिंक के लिए चाहिए आपको नीम के फल जो कि हरे और ताज़ा हों, साथ ही आपको चाहिए गिलोय की बेल की डंडियाँ छोटे टुकड़ों में कटी हुई। गिलोय की बेल किसी भी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती है। इसके लाल रंग के फल होते हैं तथा इसके पत्ते पान जैसे दिखाई देते हैं। नीम के पेड़ दो तरह के पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप देसी नीम का ही प्रयोग करें। यह ड्रिंक सुबह खाली पेट लेनी है और शाम को खाना खाने के कम एक घंटा पहले। इस ड्रिंक को एक साल से लेके किसी भी उम्र तक का कोई भी व्यक्ति काम में ले सकता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये तकरीबन 100 बीमारियों से हमें दूर रखती है, जिसमें डायबिटीज़, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक शामिल हैं। दोस्तों, इस ड्रिंक को आपको रोज़ लेना है। अगर आप रोज़ नहीं ले सकते तो साल में दो बार जब मौसम बदलता है तब आप इसको नियम से ज़रूर लें। और हाँ, जो लोग चाहते हैं उनका वेट रिड्यूस हो वो इस ड्रिंक को ज़रूर शामिल करें। ये बहुत धीरे धीरे आपका वेट रिड्यूस करती है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालती है। किसी भी वजह से अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो
तो वो उसको रोकेगी, साथ ही रिड्यूस करेगी। ड्रिंक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 इंच गिलोय की डंडी और 2 से 3 नीम के फल। अगर नीम के फल नहीं मिलते हैं तो आप उन्हें स्किप कर दीजिए। गिलोय को अच्छे से इमामदस्ते में कूट लीजिए और उसको हल्के से पानी में उबाल लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए उसे छान लें। ये पीने में थोड़ी कड़वी लगती है, तो आप चाहें तो इसमें शहद मिला सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो शहद ना मिलाएं। अगर आपको नीम के फल मिल जाते हैं तो उन्हें अच्छे से धो के काट लीजिए, उनके बीच की गुठली निकाल दीजिए और उन्हें भी अच्छे से मसल कर इसके साथ उबाल लें। आप चाहें तो शाम के लिए भी इसका काढ़ा बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ड्रिंक रोज़ बना सकते हैं या फिर आप रेडीमेड परचेज कर सकते हैं। गिलोय का ड्राई पाउडर भी हर्बल स्टोर में अवेलेबल है, ये ऑनलाइन पे मिल जाएगा। साथ ही नीम के फल भी ड्राई पाउडर के रूप में अवेलेबल हैं। आप 1 चम्मच ड्राई गिलोय पाउडर और 1/2 स्पून नीम के फल का पाउडर रात में भिगो दें। यह क्वांटिटी एक टाइम के डोज के लिए 1 पर्सन की है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग से बढ़ा सकते हैं। 1 पर्सन के लिए आपको 1 कप पानी चाहिएगा। सुबह इसे हल्का उबाल लें और छान लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे पी लें। दोस्तों, ये ड्रिंक हमें बीमारियों से दूर रखती है, तो आप समझ चुके हैं कि इसका हमारी बॉडी पे क्या फ़ायदा होता है। अगर आप गिलोय किन किन बीमारियों में इफ़ेक्टिव है के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस ड्रिंक का सेवन ज़रूर करें और रिज़ल्ट्स प्लीज़ शेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप गिलोय के बारे में और जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें, हेल्दी रहें। टेक केयर।